फाइनली सुरेखा ने बता दिया है कि वो रीवा और ईशान की शादी क्यों कराना चाहती है, जिसे जानने के लिए फैंस भी बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि जो ईशान और रीवा के फैंस हैं वो ये बात जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुरेखा ने इन दोनों की शादी का फैसला सबके सामने अचानक कर दिया था, वैसे में तो एक सवाल उठना बेहद लाजमी सा है, आखिर सुरेखा के मन में ऐसा क्या प्लान चल रहा था जिसकी वजह से इनकी शादी का वो फैसला ली। वेल, तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल गुम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ नया खास अपडेट मिलने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से जो ईशान रहता है वो रीवा को प्रपोज करता है और वो अपनी सारी दिल की बातें रीवा से बताता है, जिसकी वजह से रीवा भी फाइनली खुश हो जाती है क्योंकि उसके बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी खुशी को शब्दों में भी बयां नहीं कर पाती है। लेकिन इस सीरियल का लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुका है और उसमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से सुरेखा रहती है वो यशवंत से बात करते हुए बताती है कि वो ईशान और रीवा की शादी का फैसला क्यों ली। आपको बता दें कि सुरेखा ने यशवंत से कुछ और नहीं बल्कि ये कही है कि जिस तरीके से रीवा हॉस्पिटल में हर किसी का ध्यान रखते हुए नजर आई थी, वैसे में इस घर के लिए सबसे अच्छी बहू रीवा ही साबित हो सकती है, जिसकी वजह से यशवंत भी बेहद खुश है क्योंकि उसे भी अब ये एहसास हो गया है कि फाइनली सुरेखा कुछ तो अच्छा करने जा रही है, क्योंकि एक गलती की वजह से सुरेखा पर से यशवंत का भी भरोसा उठ गया था। लेकिन अब ये सवाल एक बार 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 आ रहा है कि अब सभी का क्या होगा, क्योंकि वो ईशान से प्यार करने लगी थी और ईशान और रीवा की शादी की वजह से उसका दिल कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे अपनी फेवरेट एक अपडेट जानने के लिए देखते रहे फिल्मी ट्विटर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।